Listening student, how are you enjoying lockdown? Today I will start new chapter, chemical bonding. These are days we are improving our bonds between our family members. Okay, now what we have to learn in this chapter, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं? पहले तो बॉन्डिंग क्यों होगी, कैसे होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे. क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड इस चीज़, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. ये कोसिल लुविस अप्रोच क्या है ये हम जान जाएंगे, ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसके लिमिटेशन को जानेंगे, ड्रॉ कर पाएंगे लुविस स्ट्रक्चर्स को और एक्सप्लेन कर पाएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कैसे बनते हैं, कौन कौन से डिफरेंट बॉन्ड होते हैं, और ज्योमेट्री प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग विस्पर थ्योरी जानेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जानेंगे. ओके, एंड एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इसके लिए हम वैलेंस बॉन्ड अप्रोच जानेंगे. ओके, इसके बाद हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे ऑर्बिटल मिक्स करते हैं और किस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह के शेप बनते हैं, किस तरह के सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसके बाद हम लोग ये जान पाएंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, किस तरह से हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के डायग्राम बनाएंगे ये भी जानेंगे, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जानेंगे. एक बार और बता दें बच्चों, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग. नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, दिस इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, और यू कैन से वी विल नो द व्हाट हाउ व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक. वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोशल अप्रोच टू द कोशल लुविस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशन, ड्रॉ लुविस स्ट्रक्चर एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स. ऑल्सो वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड डिस्क्राइब द विस्पर थ्योरी एंड प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच एंड फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग SPDF ऑर्बिटल्स एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द सैम्पल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ द होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स and explain the concept of hydrogen bonding. All these are the objective through which we be able to know about the chemical bonding. What is chemical bonding? It is nothing but it is the attractive force which hold various constituent together in different chemical species is called chemical bond. Chemical bond
इज अ टाइप ऑफ रिलेशन. व्हेन वी आर सिटिंग इन द लॉकडाउन एट होम, व्हाट इज कंडीशन, हाउ वी आर बिहेविंग आवर सेल्व्स, आवर पेरेंट्स, आवर रिलेशनशिप्स आर वेरी गुड दिस डे, वी आर प्लेइंग विथ ईच अदर, टॉकिंग विच ईच अदर. ओके, सिमिलरली डिफरेंट एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, इंटरैक्ट ईच अदर. ओके, एंड दे फॉर्म ए परफेक्ट रिलेशन बिटवीन ईच अदर, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या डिफरेंट स्पीसीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में पकड़े रहता है. ओके, इस चीज़ को हम यहाँ पे जान पाते हैं. अब जिस तरह से आज हम लोग लॉकडाउन में घर बैठे हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ घर परिवार में किस तरह का अट्रैक्शन है, हम लोग कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं, और जब काम भरी ज़िंदगी हो जाती है, बाहर निकल जाते हैं, तो फिर संडे संडे मिलते हैं. ओके, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग ये हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है. हम इस चैप्टर में जानेंगे कैसे ये हमारे लाइफ से भी एसोसिएटेड है. ओके, कैसे हम सोशल लाइफ से इसको जोड़ सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं. केमिकल बॉन्ड एक केवल बॉन्ड नहीं है, एक तरह का ये रिलेशन भी शिप को भी डिफाइन करता है. वो इस चैप्टर से हम इसको ज्वाइन करेंगे. हम इसमें ये सोचेंगे, ये क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, व्हाई डू सम एटम कंबाइन व्हाइल सर्टेन अदर डू नॉट, व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पासेस डेफिनेट शेप. इस चैप्टर में अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने पीरियाडिक टेबल पढ़ लिया, वी लर्न पीरियाडिक टेबल एंड वी कम टू नो दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स. वन इज द मेटल, अदर इज मेटलॉइड एंड नेक्स्ट वन इज द नॉन मेटल. दीज आर टाइप ऑफ द एलिमेंट्स. एंड नाउ वी विल कम टू नो हाउ द एलिमेंट्स रिएक्ट इच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द पीरियाडिक टेबल. वंस अगेन वी विल गो बैक इन द पीरियाडिक टेबल. देयर वर इनर्ट गैस एलिमेंट, वट वर दे? दोज एलिमेंट्स विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दे डू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, दे डू नॉट रिएक्ट टू अदर. Why they have complete octet? What is octet? Means 8 electron in outermost shell. Okay. Then in this chapter we will come to know why do atom combines? Why are only certain combinations are possible? क्यों कुछ particular combination ही possible है और एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन बनते हैं. कुछ दूसरों के साथ बॉन्ड करते हैं, कुछ दूसरों के साथ बॉन्ड नहीं करते हैं. जैसे हमने बताया कि इनर्ट गैसेस किसी के साथ जल्दी बॉन्ड नहीं करते हैं, किसी कंडीशन में बॉन्ड कर सकते हैं. और किसी मॉलिक्यूल का क्यों एक डेफिनेट शेप होता है, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं. ओके, अब इन सारे क्वेश्चंस के जवाब को जानने के लिए वी हैव टू नो अबाउट द कौसल लुईस अप्रोच, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. ऑल दीज थ्योरीज मेक अस इनेबल टू नो द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके, तो इन थ्योरीज के थ्रू हम जान पाएंगे कि क्यों एटम्स कंबाइन होते हैं, क्यों जो है कि कुछ ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्यों
कुछ जो है कि एक सर्टेन के साथ करते हैं बॉन्डिंग और दूसरे के साथ नहीं करते हैं, क्यों जो है कि डेफिनेट शेप आते हैं, वो हम इन सारी थ्योरीज के थ्रू जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी थ्योरीज के बारे में जानते हैं। ओके, एवरी सिस्टम टेन फर्स्ट ऑफ ए वाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, वाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ने का की जरूरत क्या है, क्यों हम एक लेवल अचीव करना चाहते हैं, क्यों हम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, केवल एक शौक है या स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। इस स्ट्रीम के थ्रू जो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करते हैं पढ़ने के लिए, उसके पीछे हमारा क्या मोटो है, हमारा मोटो है टू गेन स्टेबिलिटी। हम एक ऐसी स्टेबिलिटी पा जाएं जिससे कि हमें पीछे मुड़ कर के देखना ना पड़े, ना हमें किसी के आश्रय होना पड़े, ना किसी के भरोसे होना पड़े। पढ़ने का मतलब ये है, अगर किसी भी तरह से हमें अपनी स्टेबिलिटी अटेन करनी है, ओके, तो अगर हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने के पीछे है एक स्टेबिलिटी पाना। वैसे ही सारे एलिमेंट जैसे इनर्ट गैस एलिमेंट के ऑक्टेट पूरे हैं, वैसे सारे एलिमेंट चाहते हैं कि उनके भी ऑक्टेट पूरे हो जाएं। हमारे भी सोसाइटी में लगभग तीन तरह के लोग दिख जाते हैं। एक तो वो है जिनके रोजमर्रा की जिंदगी मांग करके कमा करके रोज रोज कुआं खनना है, खोदना है, पानी पीना है, ये सिस्टम है, रोज वो मांगे ना तो उनका काम चले ना। एक सोसाइटी है जिनके पास इतना कुछ है, इतना धन है कि रोज डोनेट ना करें तो उनका मन ना माने, कि डोनेट करने के बाद जो है कि उनके मन को संतोष मिलता है, वो दान करते रहते हैं। एक वो सोसाइटी के मेंबर हैं जो कि मिडिल में आते हैं, जो कि ना तो बैठ करके रोज मांग सकते हैं, किसी से मांग करके अपना काम चला सकते हैं, ना तो वो दान कर सकते हैं, क्योंकि ना उनके पास इतना दान करने के लिए है, ना स्टेटस उनका है कि वो मांग सकें, वो मिडिल क्लास वाले। वैसे ही एलिमेंट हैं, वैसे एलिमेंट हैं, कुछ तो एलिमेंट हैं जो कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मांग लेते हैं, कुछ तो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि ना तो डोनेट कर सकते हैं ना किसी से ले सकते हैं। दे कैन ओनली शेयर, ओके, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो अब ये बात समझ में आ गई कि बॉन्डिंग क्यों, तो बॉन्डिंग इसलिए स्टेबिलिटी पाने के लिए। एवरी सिस्टम टेंड टू मोर टेंड टू बी मोर स्टेबल, हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। जिस स्टेबिलिटी को पाने के लिए जिस तरह से हम लोग सोसाइटी में कंपटीशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ स्टेबल बनना चाहते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर जो है कि डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो वैसे ही हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। बॉन्डिंग इज द नेचर वे ऑफ लोअरिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू अटेन द स्टेबिलिटी। और ये जो बॉन्डिंग है ये एक तरह से नेचर्स का तरीका है कि सिस्टम की एनर्जी को लो करके स्टेबल बना दिया जाए, लो करके स्टेबल बना दिया जाए। ये बात समझ आएगी नहीं? अगर कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे पास कुछ नहीं है, जब तक हमारे पास एक टारगेट है कि हमें ये चीज़ अचीव करना है, ये बनना है, हमको इतनी चीज़ों की ज़रूरत है और इनको पाने के लिए हमें स्टेबल होना है, और जब हम स्टेबिलिटी को पा लेंगे तो हमारी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो पाना चाह रहे थे वो पा लिया, अब उसके आगे नहीं पाना है, अब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, अब ना किसी के आगे हाथ फैलाना है, न किसी से कुछ मांगना है, न किसी को देना है, तो हम क्या करेंगे,
हम किसी से इंटरैक्ट नहीं होंगे। वैसे ही बॉन्डिंग इज नेचर्स वे ऑफ लोअरिंग द इनर्जी ऑफ द सिस्टम टू अटेंड द स्टेबिलिटी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब थ्योरी की ओर। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, कोसिन लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ हम जानेंगे पहले कि बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे एलिमेंट अप्रोच करते हैं, एटम्स जो किसी एलिमेंट के किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ओके, ये तो हम लोग जान चुके कि किसी भी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। लेकिन ये घुमक्कड़ जो इलेक्ट्रॉन है वो करता क्या है, किस तरह से हेल्प करता है, तो यहाँ पे एक बात बता दें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है। ओके, लेकिन कोई एटॉमिक फिजिकल चेंजेस हो रही हैं लार्ज स्केल पे जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी है। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम केवल केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन करने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। और ये बस एक चीज है, जैसे कि हम सोसाइटी में चाहते हैं कि अगर सपोज कि हमारे घर के बगल में कोई एक ऐसा आदमी रहता है जिसके घर के अंदर किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि कुछ करोड़ डूब भी जाए तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो इंसान क्या है, समाज से इंटरेक्टेड नहीं है, वो कब आता है कब जाता है किसी को पता नहीं है, क्या वहाँ पे घर में चल रहा है वो भी हम नहीं जान पाते हैं। तो पास रहते हुए हमें भी ये लगता है कि हम उस इन्वायरमेंट में ढलना चाहते हैं, हम भी कुछ ऐसा कर लें, कुछ बना लें कि हमारे पास भी कमी ना हो और हमें किसी से इंटरेक्ट ना होना पड़े। ओके, उसी तरह से जैसे कि नोबल गैसेस हैं वो इनर्ट हैं, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि दे आर कंप्लीट, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, सो दे डू नॉट इंटरैक्ट, डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट इन नॉर्मल कंडीशन। सो द अदर एलिमेंट्स जस्ट बिहाइंड द इनर्ट गैसेज इन पीरियाडिक टेबल, दे थिंक टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एनी हाउ बिफोर नोइंग द मैथड द वे हाउ टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वी नो वट इज द कोसेल लुइस अप्रोच। ओके, दिस अप्रोच गिव सम लीगल एक्सप्लेनेशन। अ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दिस वी कैन नो बाय ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी, एटम इन टर्म ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, कर्नल व्हाट इज कर्नल, दिस सपोज दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस इज कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज। व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज यू नो, बिकॉज इट हैज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल,
इट कंटेन्स प्रोटॉन ड्यू टू विच न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज एंड द आउटर सेल सपोज दिस वन इज वन सेल ओके एंड दिस वन इज अनदर सेल दिस वन इज अनदर सेल एंड अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थ्योरिंग फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल 2n² इज रूल फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन एज टोल्ड बाय द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी लर्न इन द सेकेंड चैप्टर ईच एंड एवरी एलिमेंट वॉन्ट टू कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन इन दिस वन इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ दिस एलिमेंट एंड इफ इट हैव 8 इलेक्ट्रॉन देन मीन्स इट इज कंप्लीट दिस इज नॉट एक्चुअल शेप बट यू कैन थिंक अबाउट दिस Suppose there is 8 electron. This element will not react to any other element. Why? There is no need of extra electron and there is a balance force between the nucleus and electron. So there is importance of the kernel and the outermost cell that could accommodate a maximum of the 8 electron that is called octet okay that can accommodate maximum 8 electron okay this way this around the kernel suppose this one is the kernel and this outer cell is covering the whole kernel you can think about the sodium has suppose I am taking example of sodium here you can see sodium have electronic configuration 2 8 8 1 this one is the electronic configuration of it means its outermost cell is the valence cell and it have only one electron suppose now if it have to gain stability what should it do kya karna chahiye isko agar apni stability pani hai to it should lose one electron if it will lose one electron then it will be stable agar ye ek electron kho dega to stable ho jayega ओके तो इस तरह से हमने जान लिया कि जो कोई भी एटम है उसका सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव है उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड किया है जो आउटर मोस्ट सेल में वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हो सकते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स represents a particular
स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी 1 मिनट Now you see here this octet. This octet of electron represents particularly stable electronic arrangement. It means you can say that if any element have 8 electron in its outermost shell of atom, then it is stable, then it will not react to any other. And to achieve the what will, if one have the complete octet, but who have not complete octet, they will achieve stable octet by making chemical bond. According to Lewis postulated, he postulated that atoms achieve the stable electronic configuration when they are linked by the chemical bonds. Okay, अब तक ये बात समझ आ गई. Chemical bond से वो element जिनके octet पूरे नहीं है, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एनी हाउ इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन ले करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे और अपने ऑक्टेट पूरा करेंगे. ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. बहुत हो गई बात, अब एग्जांपल से काम करते हैं. देखते हैं कि इन केस ऑफ सोडियम, जैसा हमने पहले बताया, and the chlorine, you see we are taking example of sodium and chlorine. Okay, this, if they have to complete octet, if sodium have, see here once again for the sodium, you see I am writing here sodium, this is the sodium and electronic configuration is 2 8, and second one we will take Cl, okay, chlorine. Electronic configuration is 2 8 8 7, this is the electronic configuration. Okay, once again, just a minute, this one is the wrong. I will write again. This one is the electronic configuration of chlorine. Now you can decide yourself, how will sodium complete octet, by gaining or losing? And you see chlorine, how can it complete its octet by losing or gaining? You see your own self.
यस यू हैव डिसाइडेड राइट. इफ सोडियम विल लूज वन इलेक्ट्रॉन इट ऑक्टेट विल बी कंप्लीट एंड इफ क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन वन गेन इलेक्ट्रॉन देन इट ऑक्टेट विल बी कंप्लीट. सो सोडियम हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन. नाउ वी कम बैक टू आवर सोसाइटी. सोडियम इज like that person who have so much money without donating they are not complete. And chlorine is the member of society, such society which have to take to complete octet. Okay, this way you can see in the case of molecule also, if they have to complete their octet. Okay, in case of molecule you see here also, I will not take too much time. Your chlorine and hydrogen and fluorine, chlorine have also need of one electron, hydrogen have also need of one electron, fluorine have also need of one electron. If they have to complete their octet, they can share electron to each other. आपस में शेयरिंग करके भी अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं. इस तरह से हमने जान लिया कि दो तरीके हैं जिनसे हम ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं. अभी तो दो तरीके बेसिकली हैं, कुछ तरीके और स्पेशल होंगे, मगर तरीका यही है कि एक कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कंडीशन नहीं बनी तो शेयर करेगा, और शेयर करेगा तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी और उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. दिस वे एलिमेंट कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द लुईस सिंबल्स, देन वी विल कम टू नो द वे ऑफ कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.